खुश थे ना तुम उसके साथ? शायद तुमने कभी सोचा नहीं था जिसके साथ मैं आज खुश हूँ कल उसके ना होने से मैं रोता रहूंगा। याद करो उस दिन को जब उसने कहा था वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। उसने जो कुछ नहीं करने का वादा किया था आज उसने हर वो चीज कर दिखाया। यकीन नहीं हो रहा है ना, जिस पर इतना भरोसा था आखिर वो कैसे ऐसा कर सकता है? लेकिन दोस्त, ये दुनिया ऐसी ही है, बुरे के साथ तो बुरा करती ही है मगर अच्छे को भी नहीं छोड़ती है। आज तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे रोने के पीछे वजह क्या है? रातों में नींद नहीं आती, किसी चीज में मन नहीं लगता, अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, कब तक? तुम कब तक ऐसे अपनी जिंदगी को जीते रहोगे? मैं औरों की तरह आपसे ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी ठीक और कभी होने भी नहीं वाला है। एक गया गुजरा नालायक समझकर जिसने तुम्हें छोड़ दिया और उसके बाद भी जब तुम्हारा खून नहीं खोला तो तुम घंटा कुछ उखाड़ पाओगे लाइफ में? बस रोते रहोगे, दूसरे को अपना दर्द सुनाते रहोगे। ये तो तुमको भी पता है, लोग साथ रहेंगे, तारीफ करेंगे, तलवे चाटेंगे। कामयाबी हैसियत दौलत जब है। ये दुनिया मतलबी थी और मतलबी है, इसलिए आज जो कामयाब है उसी के साथ सब है। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? झूठी है ये बात कि दौलत से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता। अगर आज किसी के खराब लुक्स के वजह से हर कोई उसे रिजेक्ट कर देता है और वही बंदा कल चलकर बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स जैसा बन जाता है तो बताओ आज उसे रिजेक्ट करने वाला कल भी उसे रिजेक्ट करेगा? मोल सिर्फ कामयाबी का है, लुक्स का नहीं। हाइट, एज, ये सब तो जस्ट अ नंबर है। अगर अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है, मेरी बातें झूठी लगती है, तो मेरे दोस्त नींद से उठो, अपने आसपास देखो, इस दुनिया को देखो और देखकर कुछ सीखो। ठान लो कि बदला लेना है। जिसने तुम्हें ठुकराया है उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें अभी और ऊंचा उठना है। इसलिए रोना बंद करो, किसी की यादों से बाहर निकलो और खुद को ऐसा बनाओ कि अब अगर कोई तुम्हें छोड़ना भी चाहे तो पहले हजार बार सोचे। आज ही से शुरू कर दो खुद पर मेहनत करना। सोच लो कि जिंदगी में क्या करना है। अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो आज आप जिस क्लास में हो, जिस किसी भी फील्ड में हो, उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। और जब भी मन हारने लगे तो उसे ही याद करना कि मेरा बुरा वक्त देखकर किसी ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि किसी को मौका मिल जाए मुझे छोड़ने का। पर मेरा एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जीवन में कितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना हासिल कर लो, पर जो सबक, जो सीख आज तुमको मिली है उसे कभी मत भूलना। जितनी भी मुश्किल घड़ी आती है यही तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। दर्द सहकर ही तुम अंदर से मजबूत बनते हो, इसलिए अपने अच्छे वक्त में कभी अपने बुरे वक्त को मत भूल जाना। बेवकूफ हो तुम, अगर आज भी उसको याद करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तो सबसे बड़ा मूर्ख हो तुम। एक्चुअली सबके लाइफ में ऐसा होना ही चाहिए, जो अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है उसे छोड़ देना ही चाहिए, ताकि अब जाकर तो उसकी आंखें खुले, उसे पता चले जो जीवन में सफल नहीं होता उसका कोई नहीं होता। छोड़ देते हैं अपने भी उन्हें जिसके सीने में अपने कल को बेहतर बनाने का जुनून नहीं होता। पूरी जिंदगी बिता दी उन माँ बाप ने आपकी खुशी के लिए, और आप हो कि किसी गैर के चले जाने पर रोते हो। कभी सोचा है जब उनको पता चलेगा कि जिसके खुशी के खातिर उन्होंने अपनी खुशी गवा दी वो तो किसी और शख्स में अपनी खुशी ढूंढ रहा है। तुम चैन से नहीं रह पाओगे अगर तुम अपने माँ बाप को रुलाओगे। उन्होंने आज तक ना जाने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि आपने आज तक कोई भी ऐसा काम किया है जिससे आपके माँ बाप को खुशी मिले, उनका नाम रोशन हो? कमेंट में मुझे जरूर बताना। एक रियल फैक्ट बताऊं, माँ बाप आपको तब तक नहीं रोकते आपका जो मर्जी आप करो, पर जब आप अपने राह से भटकते हो फिर वो आपको टोकते हैं। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो वो हमें ये सिखा जाते हैं कि किसी के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहो, और खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा मत करो। तुम्हारे साथ वही होगा जो आज तक होता आया है अगर तुमने खुद को नहीं बदला। इसलिए बना लेना खुद को इस काबिल, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। छोड़ जाने वाले को दिखा दो कि उसने क्या गलती किया है। कल जब तुम उससे मिलो तो उसे पछतावा होना चाहिए कि उसने आखिर खोया क्या है। लेकिन मुझे पता है सालो तुम रोते रहोगे, फालतू में यूं ही अपने वक्त को बर्बाद करते रहोगे। ऐसे तो आज तक कुछ भी नहीं किए हो और अब भी उसके छोड़ जाने के बाद भी कुछ नहीं करोगे। अरे कुछ न करने से अच्छा है अभी जो आपके अंदर दर्द है, जो तड़प है,
जो गुस्सा है उसे अपना हथियार बनाओ और सिखा दो दुनिया को नालायक समझकर जिसे ठुकरा दिया था आज लोग उसकी मिसालें दिया करते हैं। ये जो दर्द है ना इसे ही अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाओ। जिसने छोड़ दिया है उसी को रीजन बनाओ जिंदगी में कुछ करने की और लगा दो अपनी पूरी जी जान। ठान लो कि अब तो जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है। अरे जरूरत है तो बस एक छोटी शुरुआत की, एक छोटी चिंगारी ही काफी है सीने में आग लगाने के लिए। शायद अब तक तो बहुत लोगों ने इस वीडियो को क्विट कर दिया होगा, लेकिन अगर तुमने अब तक इस वीडियो को क्विट नहीं किए हो, अब तक देख रहे हो, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम लाइफ में जरूर कुछ करना चाहते हो और तुम करोगे। सिर्फ तुम्हारे लिए दो लाइन बोलना चाहता हूँ, इसे गौर से सुनना। जो तुम्हें इग्नोर करते हैं उन्हें बस देखते जाना, जिंदगी हर पल सिखाएगी, तुम बस सीखते जाना। अगर आज तुमने इस दर्द में खुद को संभाल लिया तो बहुत आगे तक जाओगे तुम्हारे